हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मौसम बहुत अच्छा है, रात से बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह कुछ गर्मा गर्म मिक्स पकौड़े और चाय होनी चाहिए। तो आज की मेरी रेसिपी है मिक्स पकौड़े और उसके संग गर्मा गर्म चाय हम बनाएंगे अपने लिए। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये पकौड़ियाँ कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो हमने जैसे कि बात की है, आज मौसम बहुत अच्छा है, रात से बारिश हो रही है, और आज हम बनाएंगे मिक्स पकौड़े। तो चलिए जल्दी से हम मेरे किचन में आ गए और हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट द इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं आलू के पकौड़े। तो देखिए, ये आलू मैंने स्लाइस कर लिए हैं, और मेक श्योर आप इन्हें ठंडे पानी में, एकदम बर्फ के पानी में डिप करें, तो इससे आपके जो पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। उसके साथ ही देखिए, प्याज की भजिया के लिए हमने ये प्याज को स्लाइस कर लिया है अच्छे से, और इसको अच्छे से धो लिया है पानी में। नेक्स्ट ये देखिए, हम बनाएंगे गोभी के पकौड़े। तो ये हमने गोभी काट ली है, इसके साथ हम बनाएंगे पनीर के पकौड़े। तो मैंने पनीर को क्यूब्स में काट लिया है, और उसके बाद हम बनाएंगे, हमारे घर में पसंद किए जाते हैं इस ब्रेड को, बस तलना होता है बेसन में लपेट के, और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमने ब्रेड काट ली है, इसके साथ ही हमें जरूरत पड़ेगी बेसन की। तो ये मैंने बेसन लिया है। देखिए, हमें इसके साथ बनाने के लिए कुछ मसालों की जरूरत पड़ेगी। तो ये है लाल मिर्च पाउडर, ये है गरम मसाला, ये है हमारी हींग, हींग बहुत जरूरी है। इसके साथ ये है हमारा चाट मसाला, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक की जरूरत पड़ेगी, और ये हमने लिया है खाने वाला इंग्रेडिएंट, ऑब्वियसली हमारा ऑयल। और यहाँ आज मैं यूज करने वाली हूँ सोल फ्लेवर्स का कच्ची गनी कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, विच इज रियली गुड। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको खुद फर्क पता चलेगा। ये बहुत तेज स्मेल में है, लेकिन जब आप इसको इसमें यूज करते हैं पकौड़े बनाने के लिए, तो उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं रहती। प्लस इट इज विटामिन ए एंड बी रिच ऑल्सो, एंड इट इज केमिकल फ्री एंड प्रोसेस्ड इन वेरी हाइजीनिक कंडीशंस। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, आप इसे जरूर यूज करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने ये कढ़ाई ले ली है, अब हम गैस ऑन करेंगे, और हम इसमें डालेंगे हमारा कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घनी तेल। हमें बस इतना तेल लेना है कि हमारे जो पकौड़े हैं वो उसमें डूब जाए, अच्छे से डिप हो जाए, ताकि अच्छे बने। बनाने का प्रोसेस, तेल हमारा गर्म हो रहा है, तो यहां मैं लूंगी 4 बड़े चम्मच बेसन, और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग, हींग अच्छे से डालिएगा। नेक्स्ट हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, देन फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, देन हम डालेंगे गरम मसाला, एंड आवर चटपटा टैंगी चाट मसाला, एंड उसके बाद हम डालेंगे इसमें सोडा, खाने का सोडा थोड़ा सा डालें, इससे क्रिस्पीनेस आएगी, बहुत अच्छे बनते हैं। And now we will mix it. पानी डालने से पहले इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलिए, अब हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। मैंने ये 1 कप पानी लिया है, देखते हैं कितना यूज होता है। बेसन में ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी पे आ जाता है, तो आपको फिर और उसमें पानी ऐड करना पड़ेगा, सॉरी और थोड़ा बेसन ऐड करना पड़ सकता है। तो
देखिए हमारा बेसन इस कंसिस्टेंसी का हो कोट करने लायक। बाद में आप चम्मच से जब मिक्स कर लें तो उसके बाद बीटर से इसे एक सा कर लीजिएगा और इसे थोड़ी देर हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट रेस्ट कर ले या 3 मिनट रेस्ट कर ले वो भी बहुत है। तो चलिए जब तक हमारा वो मेन जो बेसन का बैटर है वो रेस्ट कर रहा है तब तक हम क्या करते हैं अपने भजियों की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने प्याज के स्लाइसेस लिए हैं और मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। एक्चुअली सारा ही डाल लेते हैं तो ऐसे 2.5 बड़ा चम्मच हुआ है ये। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक जो बिल्कुल आपके स्वाद के अनुसार होगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, देन हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, चाट मसाला और हमारी हींग। इसमें सोडा नहीं डालेंगे और इसके बाद इसको पहले ऐसे ही सूखा ही मिक्स करेंगे। देखिए ये सूखा बेसन हमने अच्छे से अपनी प्याज पर कोट कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये देखिए हमने 2 बड़े प्याज लिए थे जिसको हमने अच्छे से बेसन के ऊपर बेसन इसमें कोट कर लिया है। ये देख लीजिए प्याज अच्छे से कोट हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के इस तरीके से हमारे गरम तेल में छोड़ देंगे। शेप की चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि भजियों का कोई शेप नहीं होता, जैसी भी आप बना लें। ये देखिए हमारी प्याज की भजिया कितनी बढ़िया आई है और ज्यादा तेज आंच पे इन्हें नहीं बनाएंगे नहीं तो ये अंदर तक नहीं सिकती हैं। तो हमने हल्की मीडियम फ्लेम पे ही अंदर तक सिकने देंगे। ये देखिए हल्की हल्की हमारी पकौड़ियां गोल्डन होनी शुरू हो गई हैं। जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, आराम से, क्योंकि जब तक ये देखिए कुकिंग का सबसे अच्छा जो वो है स्लो कुकिंग। जितना स्लोली और आराम से आप इन्हें पकाएंगे ये उतना ही अच्छा फ्लेवर देंगे। देखिए हमारी हो गई। अब हमने एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिसको मैंने ऑलरेडी टिश्यू पेपर लगाया है। ये आलू इसमें ऐसे डालना है और ये इसे ऐसे उनको ठंडे पानी से निकालना नहीं है, ठंडे पानी से डायरेक्टली हमें बेसन में डाल के इसमें डालना है। इन्हें हम पलट देंगे।
ये देखिए कितनी बढ़िया फूल गई हैं हमारी पकौड़ियां। इन्हें भी हमें स्लोली ही कुक करना है, ज्यादा तेज आंच पे करेंगे तो ऊपर ऊपर का तो आपको लगेगा कि हो गई हैं, बट अंदर से जो आलू है वो कच्चा रह जाएगा, तो हमें इन्हें भी स्लोली करना है। पकौड़ियां कभी भी तेज आंच पे नहीं पकी जाती हैं। देखिए हमने इन्हें अच्छे से अब पका लिया है, अच्छे से ये फ्राई हो गई, तो अब हम इन्हें निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमारी आलू की पकौड़ियां उतर के आ गई हैं, देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली बनी है। अब हम इसमें हमारी डालेंगे, अब हम साथ में काफी सारी डाल सकते हैं। अब हम देखिए हम गोभी भी डालेंगे, तो ऐसे आपको गोभी को कोट करना है अच्छे से। और ये देखिए अच्छे से कोट करेंगे और इसको फिर हम डालेंगे, साथ साथ हम ब्रेड की भी डाल देंगे। देखिए ये ब्रेड का टुकड़ा लेना है और इसे ऐसे डिप करना है, और ये देखिए बहुत बढ़िया लगती है। आप इसमें चाहें तो दो पीसेस के बीच में उबले हुए आलू भी भर के लगा सकते हैं, बट वो थोड़ी हैवी हो जाती हैं तो इसलिए हम उन्हें अवॉइड करते हैं, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी ब्रेड वाली कितनी अच्छी आई है फूल के, और ये हमारी गोभी की भी फूल गई है। इनको भी हम धीमी आंच पे ही पकने देंगे ताकि अंदर तक गोभी गल जाए। चलिए ये अब हमारी पकौड़ियां हो गई हैं, देखिए गोभी की भी और ब्रेड की भी, तो हम ये निकाल लेते हैं। देखना फूल के हमारी गोभी की पकौड़ियां आ गई हैं। एंड नाउ हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे घर में सबको सबसे ज्यादा पसंद है, वो है पनीर के पकौड़े। तो इसे ऐसे डिप करना है, पनीर की तो हर किसी को हर चीज पसंद होती है। ये देखिए हमने सारी पकौड़ियां इसमें डाल दी हैं, और ये देखिए कितनी बढ़िया फूल के आई हैं। बेसन जो है वो हमारा इतना बढ़िया फूल रहा है। एक तो बेसन में आप सोडा जरूर डालें और उसे रेस्ट करना है। तो ये देखिए हमारी पनीर की पकौड़ियां भी हो गई हैं, कितनी बढ़िया कलर आया है। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। तो हमारी सारी पकौड़ियां बन गई हैं और अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। तो चलिए इनकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए हमारी सारी पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। ये हमारी गोभी की है, ये हमारी ब्रेड की, प्याज की, आलू की, और ये हमारी पनीर की। तो आप भी इन्हें ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, तो मैं आपको एक खा के भी दिखाती हूँ। लाजवाब। मौसम का मजा लीजिए।